Hello everyone. Uh... सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ओके सो दिस इज अ सेवेन्थ चैप्टर इन योर टेक्सट बुक दिस इज अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट बी ऑल्सो एज बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी सो पार्ट बी का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है सो अगर टोटल कैलकुलेट करें तो दिस इज अ सेवन चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज ओके सो चैप्टर ने सोर्सिस ऑफ बिजनेस फाइनेंस See, this chapter is not only important for examination point of view, but this chapter is also important if you want to set up a new business, okay? And you want to finance. So here, this chapter tells you about the sources, different sources from where you can arrange your finance. So, very interesting chapter. Very. इंटरेस्टिंग चैप्टर है हम सभी के लिए बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज ये चैप्टर हमें सोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन देता है सो दिस वीडियो इज टोटली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस ओके सो लेट स्टार्ट विद द वेरी बिगनिंग वॉट इज मेंट बाय बिजनेस दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीज इन द चैप्टर वन बिजनेस क्या होता है सी आई हैव रिटर्न यर बिजनेस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स ऑफ द सोसाइटी सी बिजनेस क्या होगा इधर बिजनेसमैन विल प्रोड्यूस द गुड्स और बिजनेसमैन विल प्रोवाइड द सर्विसेज भाई बिजनेस जो है वो दो चीजों के लिए ही मेनली चलेगा या तो हम गुड्स देंगे ओके okay. या फिर हम गुड्स नहीं देते तो हम सर्विसेस देते हैं बट क्वेश्चन राइज वाई वी आर प्रोवाइडिंग गुड्स वाई वी आर डिलीवरिंग सर्विसेस ऑब्वियसली वी नीड टू सेटिसफाई द सोसाइटी हमें सोसाइटी की नीड्स को सेटिसफाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेस देनी है ओके okay. ये तो था मान लीजिए मेरा बिजनेस है ओके okay. मैं क्या कर रही हूँ मैं गुड्स दे रही हूँ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ लेकिन क्वेश्चन अराइजेज युड्स दे रही हूँ गुड्स देने के लिए और सर्विसेस देने के लिए भी ऑब्वियसली आई नीड फिनेंस आई नीड मनी आई नीड कैपिटल सो so, यही लिखा है फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज बिजनेस रिक्वायर मनी भाई आपको बिजनेस के काम करने के लिए वेदर यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स और यूर प्रोवाइडिंग सर्विसेस आपको ये सब चीजें करने के लिए ऑब्वियसली यू रिक्वायर मनी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है सो द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस Means, business में जो आपकी रिक्वायरमेंट है जो भी बिजनेस को चलाने के लिए वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ वॉट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी दैट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इज नोन एज द बिजनेस फाइनेंस सो बिजनेस फाइनेंस इज वॉट इट इज वेरी सिंपल लाइक वॉट कि आपको बिजनेस को चलाने के लिए जिस जिस फंड्स के रिक्वायरमेंट है उन फंड्स के रिक्वायरमेंट को हम बोल रहे हैं बिजनेस फिनेंस सो एज यू कैन इजीली एस्टिमेट आल्सो बिजनेस फिनेंस बिजनेस में लगने वाला पैसा जो है उसको आप बिजनेस फाइनेंस कहते हैं ओके okay. आगे चलते हैं सी वॉट हैव रिटर्न यर द इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एंटरप्रिन इज नॉट ऑलवेज सफिशियंट टू टेक केयर अबाउट टू टेक केयर ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस ये क्या कह रहा है मान लीजिए आई एम एन एंटरप्रिन आई एम अ बिजनेस वुमेन ओके सी मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है मैं एंट्रप्रिन हूँ लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए आई हैव अरेन्ज टेन थाउजेंड रुपीज फ्राम एनी सोर्सेस ठीक है आई एम अजनेस एंडन आई एम एन एंटरप्रिन आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस आई हैव अरेज टेन थाउसेंड रुपीज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोर्सेस मैंने दस हजार रूपए कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर लिए कहीं ना कहीं से अरेन्ज कर लिये ठीक है सो टेन थाउजेंड रूपीज विल बी कॉल माई इनिशियल कैपिटल टेन थाउजेंड रूपीज विल बी कॉल माई इनिशियल कैपिटल पॉइंट इज संग इनिशियल कैपिटल इज नॉट ऑलवेज सफिशियंट मैंने टेन थाउजेंड रुपीज सेम मान लीजिए मैंने टेन थाउजेंड कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिए लेकिन टेन थाउजेंड तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए अपने बिजनेस में बट आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आई नीड मनी फॉर कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटीज भाई इसके बाद भी तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा चाहिए ही होगा सो पॉइंट इज से इनिशियल कैपिटल इज नॉट ऑलवेज सफिशियंट टू टेक केयर ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस बेस स्टार्टिंग के दस हजार लगा दिए लेकिन बाद में मान लीजिए आपको मार्केटिंग वाले को पैसा देना है आपको सप्लायर्स को पैसा देना है तो उन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए भी यू नीट फाइनेंस इनिशियल विल नॉट बी ऑलवेज सफिशियंट देर फोर अ बिजनेस मैन हैज टू लुक फॉर डिफरेंट अदर सोर्सेज फ्रॉम वेर आर द नीड फॉर फंड कैन बी मैट

मुझे बाकी सोर्सेस के बारे में सोचना चाहिए पड़ेगा फ्रॉम वेयर आई कैन अरेंज माई फिनेंस सो अदर सोर्सेस इफ आई एम थिंकिंग अबाउट द अदर सोर्सेस दिस चैप्टर विल टेल यू अबाउट दैट सोर्सेज ये चैप्टर नेम इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस तो अगर आप बाकी सोर्सेस के बारे में सोच रहे हैं तो ये चैप्टर उसी के बारे में इंट्रोडक्शन देना देने वाला है कि आपको कहाँ से पैसा लाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा कहां से पैसा लाना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा सो तो ये चैप्टर हम बाकी ये चैप्टर आपको सारे सोर्सेस के बारे में इंट्रोडक्शन देगा ओके okay. तो ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया आपको बिजनेस फाइनेंस uh, का इसके बाद हम आगे चलते हैं आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ ठीक है फिर हम बात करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस ये क्या कहता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस कहता है बिजनेस फाइनेंस का हम इसमें नेचर पढ़ने वाले हैं और हम इसमें सिग्निफिकेंस मींस व्हाट हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं ठीक है सी एव नो वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस और रन एन एंटरप्राइज विदाउट एडिक्वेट फंड्स ये क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस मैन अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स नहीं हैं तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्टार्ट योर बिजनेस एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड सम मनी टू स्टार्ट विच इज कॉल्ड इनिशियल कैपिटल सी देर आर टू काइंड ऑफ कैपिटल इनिशियल कैपिटल एंड अनदर वन इज कॉल्ड फर्दर कैपिटल ठीक है अगर ये पॉइंट कह रहा है अगर आपके पास एडिक्वेट फंड नहीं है ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्टार्ट योर बिजनेस लेकिन जो आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिन पैसों को लगा रहे हो दैट विल बी कॉल्ड इनिशियल कैपिटल फॉर हियर इज अ पर्सन ओके ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ कैफे वो अपना कैफे स्टार्ट करना चाहता है सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट हिज कैफे नीड फाइनेंस उसको पैसों की जरूरत है वो अपने फादर के पास गया ठीक है ही वेंट टू फादर वो फादर के पास गया उसने अपने फादर को बोला फादर मेरी जो एफ थी वो आप मेरे लिए जो आपने बनाई थी क्रिएट करी थी वो उस एफ वाला पैसा मुझे दे दीजिए वाई बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट माई कैफे सो फादर ने उसकी एफ डी ब्रेक करवा के जितना भी अमाउंट उसको दिया उसने उससे अपना कैफे स्टार्ट कर लिया सो हेयर इन दिस एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ एफ डी

एंड द साइज पर नेचर पे भी डिपेंड करता है साइज पे भी डिपेंड करता है नेचर हेयर मींस कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है आपका ट्रेडिंग बिजनेस है आपका सर्विस बिजनेस है साइज हेयर मींस आपका बड़े स्केल पर है आपका स्मॉल स्केल पर है सो व्हाट इट इज एक्चुअली सी मैन्युफैक्चरिंग नेचर होगा तो ऑब्वियसली पैसों की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी ट्रेडिंग होगा पैसों की रिक्वायरमेंट कम होगी साइज बड़ा होगा पैसों की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी छोटा होगा कम रहेगी ठीक है तो डिपेंड करता है इन दोनों चीजों पर सी क्वेश्चन इज सपोज यू वॉन्ट एक पर्सन है वो अपना ग्रोसरी शॉप स्टार्ट करना चाह रहा है ठीक है एक दूसरा पर्सन है वो अपना फाइव स्टार रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाह रहा है देर आर टू पर्सन वन वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिस्स ग्रॉसरी शॉप एंड अनादर वन वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज फाइव स्टार रेस्टोरेंट सो इन दोनों पर्सन को इन दोनों पर्सन में से किसको सबसे ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी फाइव स्टार रेस्टोरेंट क्योंकि रेस्टोरेंट में उसको कुछ ना कुछ बनाना भी पड़ेगा प्रोसेसिंग भी चलेगी जाके सेल करना है ग्रोसरी शॉप तो उसका क्या हो गया सिंपल ट्रेडिंग हो गया लाना है और वहां से बेचना है मतलब यहाँ वाले एग्जाम्पल पे नेचर भी आप इंक्लूड कर रहे हो बिकॉज यहाँ ट्रेडिंग चल रहा है या मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है ऑन दी अदर साइड साइज इज ऑल्सो इंक्लूडेड फाइव स्टार रेस्टोरेंट है ऑब्वियसली बड़े स्केल पर है और ग्रोसरी शॉप है तो स्मॉल स्केल पर है तो इट विल ऑल्सो डिपेंड कि आपका नेचर और आपका साइज है क्या ठीक है देन हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस रिक्वायर कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर फॉलोइंग पर्पस मतलब बिजनेस मैन को ना इन पर्पस के लिए पैसा चाहिए ऑब्वियसली मैंने बोला बिजनेस एंटरप्राइज को पैसा चाहिए टू रन द बिजनेस लेकिन इन सारे पर्पज के लिए बिजनेस मैन को पैसा चाहिए देखिये वेल स्टार्टिंग अजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर फिक्स असेट्स एंड ऑल्सो फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसिस मीन्स वॉट कि इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस ओके आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपको पैसों की जरूरत है फिक्स असेट्स के लिए मीन्स मान लीजिए मैं कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर रही हूँ कोई भी बिजनेस सेटअप कर रही हूँ मुझे मशीन्स भी तो चाहिए मुझे बिल्डिंग चाहिए मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए सो मशीन बिल्डिंग इक्विपमेंट दीज आर कॉल्ड दी फिक्स्ड एसेट एंड बिसाइड दिस आई आल्सो नीड द मनी फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंडिचर मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया मान लीजिए मुझे अपनी बिल्डिंग का रेंट पे करना मान लीजिए मुझे अपने वर्कर्स को सर्वेजेस प्रोवाइड करनी है सो so वो सारे खर्चों के लिए भी आई नीड मनी सो so, फैंस की जरूरत है फॉर मीटिंग फिक्स असेट्स एंड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंडिचर नेक्स्ट कहता है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंदी जब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी होगा ना अगेन यू नीड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी मोर वॉट डीन ह्योर मान लीजिए आपका प्रोडक्शन साइकिल ये है आपने स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल खरीदा फिर आपने थोड़ा सा प्रोसेसिंग करी फिर थोड़ा और टाइम लग गया और टाइम लगा और टाइम लगा और टाइम लगा यहां इतना टाइम लग गया इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस गुड्स ओके मान लीजिए रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाने तक आपको दो महीने का टाइम लग गया सो so, दो महीने तक जो आपका पैसा यहाँ पर ब्लॉक हुआ है उस टाइम पीरियड में टू मंथ्स तक क्या आप अपने वर्कर्स को वेजेस नहीं देंगे क्या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करेंगे क्या आप बिल्डिंग का रेंट पे नहीं करेंगे सो आंसर इज ऑब्वियसली यस यू विल पे यू हैव टू पे सो दीज आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर प्रोडक्शन जो साइकिल है प्रोसेस है वो आपका लेंदी होता है तब भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है मीन्स आपको तब भी वैसा चाहिए नेक्स्ट इज टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी वी नीड फिक्स्ड कैपिटल मान लीजिए एक बिजनेस मैन था उसका बिजनेस जो था वो अभी छोटे स्केल पे था ठीक है अब वो बिजनेस और बड़ा करना चाह रहा है बड़ा कर लिया फिर वो और बड़ा करना चाह रहा है तो बड़ा करने के लिए ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन के लिए क्या ऐसे ही हो जाएगी ग्रोथ कैसे एक्सपैंड हो जाएगा बिजनेस ऑब्वियसली यू रिक्वायर फाइनेंस आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है ठीक है तो ग्रोथ के लिए भी चाहिए एक्सपेंशन के लिए भी चाहिए पैसा चाहिए तो यही पॉइंट है कि कैपिटल चाहिए होती है फॉलोइंग परपस के लिए स्टार्ट करने के लिए रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए ग्रोथ के लिए सिंपल अगर आप बोले स्टार्ट करना बिजनेस को स्टार्ट करना नीड मनी बिजनेस को चलाना नीड मनी बिजनेस को एक्सपैंड करना यू नीड मनी सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द बिजनेस ऑब्वियसली यू नीड कैपिटल सी दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बिजनेस फाइनेंस की बिजनेस में पैसों की जरूरत होती है इन इन पर्पस के लिए हमें चाहिए होता है स्टार्टिंग हम अमाउंट को इनिशियल कैपिटल बोलते हैं वो हमारा सफिशियंट नहीं होता ऑब्वियसली हमें आगे बढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए होता है सो दिस वीडियो इज टोटली ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी पार्ट नेक्स्ट वीडियो हमें हम आगे टॉपिक्स कवर करेंगे ओके सो थैंक यू सो मच